हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आईटीआई से रिलेटेड जॉब्स और अप्रेंटिसशिप की नई नई अपडेट टाइम टू टाइम पे लाता रहता हूँ, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी जॉब और अप्रेंटिसशिप आपसे छूटे नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या नॉर्मलाइजिंग इसमें होगी, यदि होगी तो किस प्रकार होगी। एक एक चीज को मैं कवर कर लूंगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को भी मैं बताऊंगा किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में काफी लोगों के डाउट सामने आ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया, विज्ञप्ति पद पर आवेदक की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन सीबीटी एक से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। यानी कि अगर आवेदक की संख्या एक से अधिक होती है, सॉरी दोस्तों, अगर आवेदकों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो ये पालियों में यानी कि शिफ्टों में पेपर कराएंगे। तो अगर शिफ्टों में पेपर कराएंगे तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से होगी। यानी कि एक शिफ्ट से ज्यादा अगर पेपर होता है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। और इसमें बहुत अनुमान है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तो होगी ही दोस्तों, क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर आपके होंगे ही। जैसे कि पिछले पिछले पेपरों में आपने देखा था तो 3 से 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो यहाँ पे इन्होंने देख लेते हैं, विभिन्न शिफ्ट के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न एक के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड सीबीटी के प्रथम एवं द्वितीय भाग में शेषता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक से ज्यादा शिफ्ट में जब पेपर होंगे तो आपकी नॉर्मलाइजेशन रूल यहाँ पे संगलग एक के अनुसार होगी। तो आइए जान लेते हैं कि संगलग एक के बारे में इन्होंने क्या चीजें स्पष्ट की हुई है। तो एकदम लास्ट में आ जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बारे में इन्होंने एकदम लास्ट में बताया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन मेथड को अनेक्षर वन, जैसे कि संगलक वन को ही इंग्लिश में अनेक्षर वन बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है। यहाँ पे इन्होंने बताया नॉर्मलाइज स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट एक्शन, यानी कि जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसको एक्शन से प्रदर्शित करते हैं। बिलो इज द फॉर्मूला दैट इज यूज टू कैलकुलेशन फॉर द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ मल्टी सेशन पेपर। यानी कि नीचे इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें मल्टी सेशन यानी कि एक से ज्यादा शिफ्टों में जो पेपर होते हैं उसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रयुक्त होती है। तो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार काम करती है, तो आइए जान लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन की एक्शन, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि एक्शन यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट, एक कैंडिडेट का नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू H2 को यहाँ लिखा है। H2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन। H2 वो संख्या है जो सबसे ज्यादा नंबर जिसने स्कोर किया है उसका एवरेज ले लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा किसी के 200 में से एग्जांपल ले लेते हैं, 180 नंबर अगर किसी के आ गए तो ये अपॉन कितने लोगों के आए हैं। जैसे शिफ्ट में टोटल अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो डिवाइड 100 से कर देंगे, इसके बाद इनका ये एक नंबर आ जाएगा H2। उसके बाद इन्होंने बताया है S1 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द पर्पस ऑफ करस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल्ड टू H2। यानी कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उनका भी एक अलग एवरेज निकाल लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें 160 आए तो 160 अपॉन 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्स, एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स जो है आपका रॉ स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट, यानी कि रॉ स्कोर को एक्स से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका XAV सिंपल एवरेज ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट। XAV क्या है दोस्तों, सिंपल एवरेज है। किसका है, हर शिफ्ट का ही एक सिंपल एवरेज ले लेंगे, उससे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन दोस्तों, YAV। अब YAV क्या है दोस्तों, एवरेज करस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज टेकन एज द बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने हाईएस्ट एवरेज को ले लिया, उस शिफ्ट का सबसे एक हाईएस्ट एवरेज होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे
ज्यादा नंबर किसी के आ रहे हैं तो उसको एक बेस मान लेंगे कि ये 100% है, जैसे 180 है दोस्तों, तो इसको 100% मान लिया जाएगा कि इससे ज्यादा किसी के नंबर नहीं आए हैं, तो उसको 100% मान के यहाँ पे बेस में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे आपको मैं एक एक चीज क्लियर करता रहता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर वो चीज मिलती रहेगी जो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और मैंने अगर आप फिटर ट्रेड के कोई भी कैंडिडेट हैं जो फिटर ट्रेड के हैं, तो उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें काफी पेपरों को सॉल्व किया है, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ओके, जय हिंद।